फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिज रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वैलेंटाइन पर बनाने के लिए एक रेसिपी। ये बहुत जल्दी और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है और इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और यम्मी तो बहुत ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ ब्रेड ले ली है और ये कुकी कटर ले लिया है और इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपके पास सूखी कटर फ्रेंड्स नहीं है तो आप पेपर पर हार्ट की शेप बनाकर फिर उससे नाइफ़ की हेल्प से आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुकी कटर से हार्ट की शेप निकाल ली है। सारी ब्रेड का यूज़ करते हुए हमने करीब 8 पीस हार्ट शेप निकाल लिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने 4 पीस खजूर ले लिए यानी डेट्स और इन्हें सीड्स हटाकर बिल्कुल हमने मैश कर लिया है और बिल्कुल ये सॉफ्ट वाले डेट्स हैं, बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है काजू का बुरादा, काजू को हमने महीन कर लिया है और बादाम करीब आधी आधी चम्मच या एक चम्मच भी आप यूज़ कर सकते हैं डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल महीन कर लेना है, हमें मोटे पीसेस काजू बादाम के नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसे छोटे से बॉल बनाकर हर्ट्स में रख देना है सेंटर में। इसी तरह से हम सारे हर्ट्स में ये खजूर के जो हमने बनाए हैं बॉल्स वो हम रख देते हैं। तो हमने सारे चारों पीसेस ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हमने मिल्क ले लिया है, मिल्क वॉश करते हैं। तो साइड में हमें अच्छी तरह से मिल्क लगा देना है और ये मिल्क बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए यानी गर्म ना ठंडा। और इसके बाद इसे दूसरे पीसेस से हम अच्छी तरह से प्रेस करके उसे पैक कर देंगे। तो इसे हमें अच्छी तरह से लॉक करना है जिससे ये बिल्कुल भी खुलने ना पाए। तो हाथों की हेल्प से भी आप इसे प्रेस कर दें जिससे ये बिल्कुल खुले ना। और इसी तरह से बाकी के पीसेस भी हम रेडी कर लेंगे और इन्हें ड्राई हो जाने देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और इसे मिडिल फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे और हमें इसे लाइट पिंक फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, इसे लाइट पिंक फ्राई कर लेंगे और ये फ्राई हो चुके हैं तो बस इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो बस ये आप ट्राई करिए। सेम पैन हमने ले लिया है और यहाँ पर हमने 1 कप दूध डाल दिया है और जो ब्रेड हमने डिज़ाइन बनाए थे ना उसके ब्राउन पार्ट्स हटा दिए हैं और उसे इसमें ऐड कर देते हैं। इस ब्रेड को हमें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो हम चलाते जाएंगे गैस की फ्लेम, यहाँ पर हम मिडल पर कर देंगे और इस पर हम फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं कंडेंस मिल्क करीब 3 बड़े चम्मच। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह खड़ी की शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ट्राई करिए क्योंकि इसके अंदर है डेट्स और ड्राई फ्रूट्स और इसके बाद ये कंडेंस मिल्क, तो काफ़ी अच्छी ये रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो इसे हम चलाते जाएंगे लगातार और इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी पर हमारा बैटर होना चाहिए। इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये हार्ड बाइट्स के ऊपर हमने ये रख दिया है कुकी कटर और इसके ऊपर हम कंडेंस मिल्क वाला मटेरियल डाल देते हैं और इसे सेट हो जाने देते हैं। और इसके बाद इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे ये कंडेंस मिल्क पूरे हार्ड बाइट में अच्छी तरह से फैल जाए। तो इसी तरह से सारी हार्ड बाइट्स को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर रोज़ पेटल्स ले लिए हैं और इन्हें सीजर की हेल्प से हार्ट की शेप में कुछ इस तरह से कट कर लिया है और इससे इन्हें गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी आसानी से आप घर पर ही इसे गार्निश कर सकते हैं। वैसे आप हार्ट जेली भी आती हैं, आप उन्हें भी मार्केट से परचेज करके गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़। तो जल्दी मिलते हैं।